साथ साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम पे ही फॉलो कर लो। छोटी छोटी अपडेट सारी की सारी इंस्टाग्राम पे ही रहती है। मतलब ये है कि वीडियो आ गई 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में, लेकिन इंस्टाग्राम पे दूसरे या तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट रहती है, छोटी मोटी अपडेट रहती है जिसकी वीडियो बना के हम नहीं डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का भी, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो और जो छोटी छोटी अपडेट है उससे अपडेट रहते रहोगे आप। तो चलो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष तोमर। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि जिस प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून 2023 है, 30th जून, ठीक है। तो इसमें आपको 30 जून से पहले पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में भेजने हैं। किसी दूसरे एजेंट या किसी दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू कराना चाह रहे हो तो आप करा सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ क्या प्रोग्राम है ये। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्राम अनाउंस किसने किया है। ये जो प्रोग्राम है ये अनाउंस हुआ है IRCC के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इन्वेंट्री ने इसको अनाउंस किया है। और जो इस प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि आप किसी कंपनी के पेरोल पे नहीं है, डायरेक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट के पेरोल पे रहोगे आप। मतलब कि एक गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, जैसे इंडिया में बोलते हैं सरकारी नौकरी। और इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन वो रहेगी कि आप इसमें 6-7 कंट्री में डिप्लॉय करे जा सकते हो 2 या 4 साल के अंदर अंदर। मतलब आप कनाडा में भी रह सकते हो, आप चाइना, इटली, जर्मन, कहीं भी आपको वो भेज सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि आप एक ही वीज़ा पे, मतलब एक ही जॉब में अपनी अलग अलग कंट्री घूम सकते हो। घूमने का मतलब ये है कि भाई देखो, 7-8 घंटे आप जॉब कर रहे हो तो यानी कि पूरा दिन आप ऑफिस में ही बिताओगे। उसके बाद में एक मतलब एक रिलैक्स वाली जॉब होगी। मतलब जो एक ड्रीम होता है ना यार, मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए, कनाडा जाना है, कनाडा भी जाओगे और जॉब भी गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी। तो अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जाने के बाद में आप अपना 7-8 घंटे अपने ऑफिस में देने के बाद में अपना गाड़ी निकालो और उसके बाद में अपना घूम के आओ कहीं भी, जहाँ पे भी घूमना है। हर 2 से 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट से पहले, लेकिन पहले इनसे बच के रहना आप, ठीक है। तो मेरे ही ऑफिस में काम करते थे, इनको हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी जो एप्लीकेंट हैं उनको भी सर्वाइव करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी टर्म्स नहीं है उस टर्म के बाहर भी जाके उन्होंने प्रोमिस किए, और प्रोमिस करने के बाद में हमारे लिए तो मुश्किल जितनी हुई है चलो हुई है, लेकिन जो एप्लीकेंट है, जो पैसा दे रहे हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उनके लिए तो मैं बैठा हूँ, उनको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हो सकता है कि भाई आपका जहाँ पे 3 या 3.5 महीने में 4 महीने में काम होना था, हो सकता है कि वहाँ पे 6 महीने हो जाए, लेकिन उसके लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन इन लोगों से आप सतर्क रहना, इन्होंने डेटा चोरी कर लिया है, ठीक है। और अब क्या बोल रहे हैं, आपको कॉल करके, ये हमारे ऑफिस से, और ये जिन्होंने इन्होंने ऑफिस खोला है ये भी आशीष तोमर का, मतलब रेनू ग्लोबल कंसल्टेंसी के नाम से ही ये बोल रहे हैं। तो इनसे सतर्क रहना, इनके जहाँ से मैं नहीं आना है। तो चलो अभी एक बार बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये लिस्ट रहेगी यहाँ पे, आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लिस्ट है, ठीक है। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए बैक साइड और फ्रंट से, आप किसी कंट्री में रहे हो उसका वीज़ा चाहिए, ठीक है। और PCC, एक PCC का मैं बता दूंगा आपको कब चाहिए। एक मेडिकल टेस्ट होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास में अगर कोई टेक्निकल कोई भी क्वालिफिकेशन है उसका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी अगर कुछ भी बच गया आपको लिस्ट में दिख ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऑफिस में कॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे कि कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद में इसमें आप खुद भी कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। और बेटर ये है कि इसमें काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं कि अगर आपको कुछ भी ये लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो मतलब अंदाजे से कुछ भी, मतलब कुछ भी गैस करके नहीं डाल देना कि चलो जी ये कर देते हैं, देखते हैं कि ये ठीक होगा नहीं होना। तो सबसे बेटर क्या है कि आसपास कोई भी कंसल्टेंट है जो इन काम को करते हो, उनकी हेल्प लो, ठीक है। बाकी नहीं, हम तो बैठे, हमारे पास में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, आपके बिहाफ पे बहुत ही मिनिमम जो पेमेंट है उस पर हम आपका अप्लाई कर देंगे, जो हमारा मिनिमम चार्ज होता है उसको लेने के बाद में। अब बात करते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें एज क्या रहेगी। देखिए, जो इसमें एज है वो इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर हम एक लॉजिकली देखें तो, क्योंकि 55-60 के आसपास रिटायरमेंट का टाइम होता है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया हम लेके चलेंगे 45-49 के आसपास करेंगे। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट से नीचे आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके पास में अगर इंग्लिश
और फ्रेंच, फ्रेंच इसमें आपको बेनिफिट दे के जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, आपके पास में कोई टेक्निकल का अगर कोई सर्टिफिकेट है वो उसका एडिशनल रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से इस चीज़ को रखना है कि जो एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी, वो आप ग्रेजुएट हो, आपसे इंग्लिश अच्छी आती हो, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी इसमें बनती है। साथ में आपके पास में फ्रेंच का सर्टिफिकेट है, आपको फ्रेंच आती हो, या कोई टेक्निकल कोई भी आपके पास में सर्टिफिकेट है, उसका एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि देखिए कुछ एप्लीकेंट ऐसे हैं, उनके माइंड में ये रहता है जी हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे, फीस सबमिट की और जी हमारा अप्लाई हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 2 से 3 दिन की मेहनत रहती है। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं पूरे पूरे प्रॉपर वे में, ठीक है। आपका CV कन्वर्ट कराना पड़ता है और उसके बाद में जाके फिर डॉक्यूमेंट्स लॉयर के पास में सेंड करते हैं। देन आपके बिहाफ पे फिर लॉयर इसको क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं CV की, जिन भी एप्लीकेंट को अपना CV बनवाना है न्यू फॉर्मेट में, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हमें बताओ, उसी के फॉर्मेट में हम आपका जो CV है वो कन्वर्ट करके देंगे आपको। वोकैबुलरी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की हम यूज़ करते हैं। ग्रामर जो मिस्टेक है वो ना के बराबर है, परसेंटेज उसमें ना के बराबर रहेगी, कोई भी उसमें मिस्टेक ग्रामर की आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी आप हमें फॉर्मेट बताओ कि आपको उस कंट्री के फॉर्मेट से में चाहिए, आपको फॉर्मेट में आपको बना के देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी आपको ये वीडियो। और आप जो भी इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, आपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजो, एक बार देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो मेल के थ्रू आपको रिप्लाई मिलेगा स्टाफ का, और देना जब आप इसको ओके कर लेंगे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हम कर देंगे। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। तो इसी के साथ में दोस्तों, जय हिंद।